झकझोरने वाले 16 दिसंबर 2012 के गैंग रेप आरोपियों को जल्द ही फांसी दी जाएगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल में निर्भया हत्याकांड के चारों आरोपियों को फांसी देने के लिए रस्सी बनाने का काम जोरों पर है। देश भर में फांसी देने के लिए रस्सी की सप्लाई बक्सर जेल से ही की जाती है। जब किसी को फांसी देनी होती है तो उसे रस्सी बनाने के ऑर्डर जेल प्रशासन को ही मिलता है। फांसी की रस्सी, जिसे मनीला रोप भी कहा जाता है, बक्सर जेल को इसे बनाने में महारत हासिल है। बक्सर जेल में मनीला रोप को तैयार करने के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया जाता है। एक मनीला रोप को बनाने में 1-2 दिन का समय लगता है। फांसी देने वाली रस्सी की लंबाई, जिसको फांसी होनी होती है, उसकी लंबाई से 16 गुना ज्यादा होती है। इसमें 7200 नट की एक गांठ और 56 फीट की रस्सी बनाई जाती है। इसमें अपने ही देश के कपास का इस्तेमाल होता है। पहले कपास मनीला से मंगाया जाता था, इसीलिए मनीला रस्सी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर जेल में फिर मनीला रोप बनाने का ऑर्डर आया है। बक्सर जेल के सुपरिटेंडेंट विजय अरोड़ा कुमार ने कहा कि उनके सीनियर ने 10 मनीला रोप तैयार करने को कहा है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये किसके लिए है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किस जेल से ये ऑर्डर आया है। उनका कहना है कि वो इस काम में लगे हुए हैं और अब तक 2 रस्सी बनकर तैयार भी है। लास्ट वीक में हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि आप 10 हैंगिंग रोप जो है बनाकर तैयार रखिए, आने वाले समय में इसकी सप्लाई का ऑर्डर आएगा। तो हम लोग 10 रस्सी को बनवा रहे हैं। एक बातों को लेकर सर कंफ्यूजन है कि लोग कह रहे हैं कि निर्भया के लिए रस्सी बनाने का यहाँ पर आदेश आया, ऐसा कोई आदेश आया है क्या? देखिए, रस्सी का डिमांड होता है, रस्सी से क्या किया जाएगा, हैंगिंग रोप है, अब किसे फांसी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इस बारे में हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आती। बक्सर में रस्सी बनाने की क्या मेथड है सर, क्या कहा जाता है और क्या रेट है उसका? देखिए, ये जो रस्सी है वो 7200 धागे का एक बंच है, जिसमें कि 154 धागे का एक लट करके 6-7 लट को 7200 में कन्वर्ट किया जाता है। और नॉर्मली तो ये मैनुअल वर्क ही है, लेकिन उसका कुछ पार्ट्स जो है वो मोटर बेस्ड यंत्र का भी यूज किया जाता है, खासकर लट बनाने में। लट बनाने के बाद जब अंतिम रूप से बूश पर उसको दे करके जब कसा जाता है, तो उस समय भी एक लोहे का एक रोलिंग है जो कि मैनुअल ही चलता है, और उसमें उसको फिर विधिवत उसको जो 56 फीट की लंबाई होती है उसको अंतिम रूप से कसते हुए 16 फीट में उसको किया जाता है। आपको बता दें कि संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को 8 फरवरी 2013 को बक्सर से बनी रस्सी से ही फांसी दी गई थी, और देश में जितने लोगों को फांसी दी जाती है बक्सर जेल की रस्सी से ही दी जाती है। न्यूज़ डेस्क।